हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ में है प्रवीण शर्मा जी, कैमरामैन है, दिल्ली से है और इन्होंने काफी कार्य किया है, तो मैं इन्हें बड़ी मुश्किल से इनको कहा कि भाई मैं आइए और आप बच्चों को जो नए बच्चे हैं एज ए कैमरामैन काम करना चाहते हैं या कैमरे के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं उनको कुछ बातें बताएं। तो प्रवीण जी से हम जानकारी लेते हैं। प्रवीण जी, बच्चे जानना चाहते हैं कि अगर कैमरामैन बनना है, कैमरा सीखना है तो वो कहां से कैसे सीखे? कैमरा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है सीखने के लिए और मैं चाहूंगा कि हर हर इंसान के अंदर एक अंदर से कैमरा मैन होता है। हर बच्चा घर में क्लिक करता है, बच्चों को अपने घर में छोटे छोटे कैमरे होते हैं उनसे वो लर्न करता है और अगर इस फील्ड को आगे इम्प्रोवाइज करना है, ऐप को एक अच्छा कैमरा मैन बनना है तो किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप टीवी सीरियल्स में देखिए कितने तरह के कैमरे यूज होते हैं, कैमरे शॉट्स डिफरेंट टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कैमराज हैं, जो एक स्मॉल इंस्टीट्यूट को मैं कहूँगा ज्वाइन करना चाहिए, ना कि बिग इंस्टीट्यूट को, जहाँ तक जहाँ पे 3 महीने की ट्रेनिंग हो या 6 मंथ्स की ट्रेनिंग आपको पहले लेनी चाहिए। उसके बाद अगर आप कैपेबल हैं और आपको लगता है कि हम आगे जा सकते हैं तो फिर आगे हम उस फील्ड को कंटिन्यू करना चाहिए। जैसे पूना इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पर मतलब कैमरे की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है? जी जी, वो तो आप ग्रेजुएशन ही जा पाएंगे, आपका ग्रेजुएशन। लेकिन मैं वहाँ जाने से पहले अगर हम किसी दिल्ली में या दिल्ली के आसपास सराउंडिंग में कोई जो दूसरे इंस्टीट्यूट है अगर वहाँ से हम निकलते हैं 6 महीने कोर्स करने तो वो सपोर्ट करेगा। लेटेस्ट जो कैमरे हैं इन पे आप सीख सकते हैं और कोई इतना डिफिकल्ट कोर्स भी नहीं है और इट्स क्वाइट गुड एंड फ्यूचर इज ब्राइट। अच्छा, आजकल क्या है प्रवीण जी की काफी लोग ना यूट्यूब के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, जो छोटे छोटे यंग जनरेशन जितनी है ये सब यूट्यूब पे लेकर हुई है। अब वो अपना चैनल बना लिया, प्रोग्राम बनाया, जी जी बहुत अच्छी बात है। अब उसके अंदर उनके लिए हमें मतलब हमने क्या रास्ता बताया? भाई बहुत से लोग तो अपना मोबाइल से बना रहे हैं, मोबाइल से अपने शूट कर लेते हैं, मोबाइल से एडिट कर लेते हैं, पर हमें यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। जी जी जी, तो उनको अगर अपनी क्वालिटी में सुधार करना है जी, या उनको और बेहतर कुछ जानकारी मतलब अगर चाहिए तो उनके लिए क्या बताया? देखिए जी, आजकल बहुत से लोग हैं, मेरे भी कुछ जानकारी में फ्रेंड लोग हैं जो यूट्यूब चैनल पे काम कर रहे हैं, अपने ही चैनल बना लिया घर में अपने कैमरे से, मोबाइल से ही फोटो खींच के वीडियो बना के उसको अपलोड कर देते हैं। लेकिन अगर हमें फर्दर इंप्रूवमेंट चाहिए तो एक प्रोफेशनल कोर्स करना ही पड़ेगा, परमानेंट चाहिए, 5-6 महीने का या साल भर का, अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन और क्वालिफिकेशन। तो मास्टरी तो कभी आएगी, उसी में ही समझाया जाएगा क्या कहते हैं फोकस किस तरह से किया जाता है, अपर्चर सेट किया जाएगा, लाइटिंग के बारे में सिखाया जाएगा, फील्ड ऑफ डेप्थ के बारे में सिखाया जाएगा, ये सब चीजें हैं जो, और जो कैमरे में आप एक्टिंग करेंगे उसको बगैर मार्क किया जाता है कि कितने फुट पे आप आगे बढ़ के डायलॉग बोलेंगे, हम फिर राइट टर्न करेंगे या लेफ्ट करेंगे। तो इसके लिए तो एक कंप्लीट ट्रेनिंग की जरूरत है। जो हम घर में जिस तरह से बच्चे आज कर रहे हैं वो एक नॉर्मल है कि ठीक है सबको आ गया है ऑपरेट करना, इट्स वेरी इजी टू ऑपरेट वीडियो कैमरे और अपना मोबाइल, तो अगर आपको आगे यूज करना है तो बेटर फील्ड चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि भाई ऑपरेट करना एक अलग बात है, एक मोबाइल को ऑपरेट कर लिया उसे कैमरा चला लिया, लेकिन अगर प्रॉपर हमें कुछ क्रिएटिव काम करना है आगे जानकारी होना बहुत, यू हैव टू ज्वाइन द कोर्स फॉर कैमरामैन। तो प्रवीण जी, एक बात बताइए कि जैसे कोई मतलब फिल्म के कोई कैमरामैन होते हैं और टेलीविजन के कैमरामैन होते हैं, उनमें क्या फर्क होगा? नहीं देखिए, फर्क तो कुछ नहीं है, फर्क सिर्फ फॉर्मेट का है, वो रील पे फिल्म बनाते हैं और हम लोग टेप पे बनाते हैं, या जो आजकल टेप पे फिल्म बनाते हैं, बाकी जो कैमरेज हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन उनकी टेक्निक से वही रहेगी, लाइटिंग टेक्निक वही रहेगी, कैमरा एंगल वही रहेंगे, लो एंगल से शॉट लेना है आपने, हाई एंगल से लेना है, एरियल शॉट लेना है या क्या लेना है, ट्रैक चलाना है, ट्रॉली पे शॉट है, ओएसएस शॉट है, ये सब शॉट सीरियल में भी यूज होंगे और फिल्म में भी यूज होंगे। बस ओनली थिंग इज डिफरेंस इज कैमरा, वो 35mm पे शूट होगा, ये नॉर्मल ट्रैक पे शूट होगा। अब जैसे बहुत से मैं थोड़ा सा आपके कैमरे से थोड़ा झटके थोड़ा मतलब कुछ जानना चाह रहा था अपने दर्शकों के लिए कि जैसे कोई एक्टिंग कर रहा है
तो हम मतलब कितने शॉट्स होते हैं, जैसे क्लोजअप होता है या लॉन्ग शॉट होता है या मास्टर शॉट होता है या ओएस शॉट होता है, अगर आप उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें कि थोड़ा लोगों को पता लगे कि भाई इस शॉट के अंदर एक एक्टर को क्या करना चाहिए। लेकिन शॉट्स तो कई तरह के होते हैं, जैसे क्लोजअप हो गया, उसके बाद एक्सट्रीम क्लोजअप हो गया, जैसे कई बार आप फिल्मों में देखते हो कि सिर्फ आंखें दिखा रहे हैं आर्टिस्ट की, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रीम क्लोजअप। या जैसे किसी भी फिल्म में आपने देखा होगा कि ग्राउंड में हीरो हीरोइन डांस कर रहे हैं पेड़ के पास और बहुत दूर से दिखा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर लॉन्ग शॉट। ऐसे कैंडिडेट शॉट है, अगर हम ऊपर से दिखा रहे हैं तो टॉप एंगल शॉट हो गया, नीचे से अगर हमने किसी आर्टिस्ट को दिखाया और रूप दिखाई देते तो लो एंगल शॉट। तो इस ओएसएस मतलब ओवर टू शोल्डर, आप जनरली देखते होंगे कि एक आर्टिस्ट बात कर रहा है दूसरे से तो हम पीछे से दिखाते हैं तो उसका कंधा दिखाई दे रहा होता है और सामने वाले का फेस, दैट इज कॉल्ड ओएसएस शॉट्स। तो ओएसएस मींस ओवर टू शोल्डर शॉट। तो ये देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ शॉट्स वेयर यू जॉइन देन आई कैन एक्सप्लेन। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रवीण जी हमारे साथ में। तो दोस्तों आगे भी मैं कोशिश करूंगा हर फील्ड से कनेक्टेड लोगों को जो एक्सपर्ट है अपने फील्ड में आए और आपसे बातें करें। बस आज के लिए इतना ही काफी। हाँ दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जाइएगा, उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।